तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कांदिले फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो आज का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है दोस्तों। जो पहला प्रोजेक्ट दोस्तों हमने एक्सप्लेन किया था डॉक्टर अनिल कुमार सर का, उन्हीं का ये पार्ट टू वीडियो है दोस्तों, जिसमें हम पूरा आपको 3D वॉक थ्रू वीडियो एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहला पार्ट देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको मेजरमेंट्स और नक्शा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसलिए दोस्तों आपको पहला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप कंटिन्यू कीजिए, दूसरा वीडियो आप देखिए। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर आप ये जो हॉस्पिटल देख रहे हैं दोस्तों, हॉस्पिटल नेम है तिरुमल्ला हॉस्पिटल। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये है तेलंगाना का, और यहाँ पर जो हमें टोटल प्लॉट साइज़ मिलता है ये 49 फीट बाय 40 फीट का मिलता है। और यहाँ पर जो हमने कंस्ट्रक्शन के लिए जगह यूज़ की है, ये हमने यहाँ पर यूज़ की है दोस्तों 45 फीट बाय 40 फीट की, यानी कि 45 फीट बाय 40 फीट की जगह यहाँ पर हमने यूज़ की है। तो यहाँ पर दोस्तों 4-स्टोरी बिल्डिंग हमने डिज़ाइन की है। सबसे पहले हमें सेमी बेसमेंट फ्लोर मिलता है, उसके बाद ग्राउंड, फर्स्ट एंड टॉप फ्लोर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे रैम्प की तरफ से बेसमेंट फ्लोर में, और आपको पहले बेसमेंट फ्लोर एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे ही दोस्तों हम मेन डोर से अंदर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर वेटिंग एरिया प्रोवाइड किया है। जस्ट उसी के पास दोस्तों यहाँ पर हमने हमारा मेडिकल शॉप, फार्मेसी एरिया यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर फार्मेसी में दोस्तों हमें 2 विंडोज़ देखने को मिलती है। मेन विंडो यहाँ पर बाहर से भी प्रोवाइड किया है, और एक यहाँ पर इनर विंडो भी हमें देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे वेटिंग एरिया की तरफ से, और आते हैं राइट साइड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रिसेप्शन काउंटर प्रोवाइड किया है, रिसेप्शन एरिया प्रोवाइड किया है। और दोस्तों जस्ट हमारे रिसेप्शन एरिया के बैक साइड में अगर हम आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनर OT हमने प्रोवाइड किया है, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमें OPD और हमारे रिसेप्शन एरिया के पास ही हमने प्रोवाइड किया है। अब आते हैं दोस्तों वापस बाहर और चलते हैं अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने OPD रूम प्रोवाइड किया है। यहाँ पर OPD जो हमने प्रोवाइड किया है, या ऑर्थोपेडिक OPD यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है। दोस्तों ये जो हॉस्पिटल हमने डिज़ाइन किया है, यहाँ पर हमारी प्राइमरी 2 स्पेशलिटीज़ हमने डिज़ाइन किया है, जो कि ऑर्थोपेडिक और यहाँ पर जनरल केयर हमने डिज़ाइन किया है। अब जैसे ही हम दूसरे रूम की तरफ आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरे रूम दोस्तों यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया है, जो कि यहाँ पर हमारे रिसेप्शन एरिया के पास ही हमें देखने को मिल जाता है। अब वापस आते हैं दोस्तों रिसेप्शन एरिया की तरफ से, और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं आप यहाँ पर कॉमन टॉयलेट देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है। अब वेटिंग एरिया की तरफ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और लेफ्ट साइड में हमारे नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने पैथ लैब प्रोवाइड किया है दोस्तों, पैथोलॉजी लैब हमने डिज़ाइन किया है। दोस्तों मैं डायरेक्शंस आपको बता देता हूँ। हमारे बिल्डिंग का मेन फ्रंट हमें मिलता है दोस्तों वेस्ट फेसिंग, पश्चिम मुखी हमें बिल्डिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पर हमने फार्मेसी जो डिज़ाइन किया है, वो हमारे साउथ डायरेक्शन में हमने प्रोवाइड किया है। और अब जहाँ पर हम जा रहे हैं, वहाँ पर हमें स्टेयरकेस और लिफ्ट एरिया देखने को मिलता है, जो कि हमने नॉर्थ डायरेक्शन में उत्तर की तरफ प्रोवाइड किया है। अब आते हैं दोस्तों हमारे स्टेयरकेस की तरफ से ऊपर, और चलते हैं हमारे ग्राउंड फ्लोर पर। अब आते हैं दोस्तों हमारे ग्राउंड फ्लोर पर। जैसे ही दोस्तों हम स्टेयरकेस लॉबी से बाहर आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने वेटिंग एरिया प्रोवाइड किया है। आप यहाँ पर जो इंटीरियर देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत सिंपल हमने डिज़ाइन किया है। हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि बजट के अंदर उन्हें हॉस्पिटल डिज़ाइन करना था, और जो लुक आएगा दोस्तों, जो डिज़ाइन आएगा वो भी बेहतरीन दिखे, तो उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाया है। आपको डिज़ाइन कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जैसे ही दोस्तों आप वेटिंग एरिया की तरफ देख रहे हैं, वेस्ट की तरफ से, पश्चिम की तरफ से आप देख सकते हैं मेन एंट्रेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जो कि डायरेक्टली हमारे रोड से हमें कनेक्ट करता है ग्राउंड फ्लोर पर आने के लिए। अब आते हैं दोस्तों अंदर, तो यहाँ पर आप पैसेज एरिया देख सकते हैं, जहाँ पर हमने सीटिंग यहाँ पर अरेंजमेंट दी है। और दोस्तों ये जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर हमने टोटल OPDs प्रोवाइड किया है। तो आते हैं दोस्तों हमारे OPD नंबर 2 की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों OPD नंबर 2 हमने प्रोवाइड किया है। सिंपल डिज़ाइन है दोस्तों, एंड नॉर्मल कलर यहाँ पर हमने प्रोवाइड किए हैं। अब आते हैं वापस बाहर, यहाँ पर दोस्तों हमने OPD नंबर 3 प्रोवाइड किया है, जो कि आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसी के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं OPD नंबर 4 यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया है, प्रोवाइड किया है।
वही दोस्तों पैसेज की तरफ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने ओपीडी नंबर 5 एंड ओपीडी नंबर 6 यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया है। टोटल नंबर ऑफ ओपीडीज़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 6 ओपीडीज़ हमने डिज़ाइन किया है, 6 ओपीडीज़ हमने प्रोवाइड किया है। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर ये जो कम्प्लीट ग्राउंड फ्लोर है ये स्पेशली हमने ओपीडीज़ के लिए डिज़ाइन किया है। अब आते हैं पैसेज की तरफ से एक कॉर्नर में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में हमने यहाँ पर कॉमन टॉयलेट हमने डिज़ाइन किया है पेशेंट्स के लिए। यहाँ पर हमने कॉमन टॉयलेट डिज़ाइन किया है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं बहुत कम स्पेस हमें देखने को मिलता है। यहां पर जो हमने प्लान एडजस्ट किया है वो बहुत बेहतरीन हमने डिज़ाइन किया है दोस्तों। जैसे कि आप बेसमेंट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर की रिक्वायरमेंट एंड सेटअप देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हमारे फर्स्ट फ्लोर पर और आपको फर्स्ट फ्लोर जो है एक्सप्लेन करते हैं। अब आते हैं दोस्तों हमारे फर्स्ट फ्लोर पर और पैसेज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो 6 फीट का हमने प्रोवाइड किया था। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल रूम नंबर 1 हमने डिज़ाइन किया है। अटैच टॉयलेट के साथ यहाँ पर स्पेशल रूम हमने डिज़ाइन किया है। अब आते हैं दोस्तों बाहर और चलते हैं आगे की तरफ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में पश्चिम की तरफ हमने जनरल वार्ड डिज़ाइन किया है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जनरल वार्ड है दोस्तों, 7 बेडेड यहाँ पर जनरल वार्ड हमने डिज़ाइन किया है विद अटैच टॉयलेट। अब वापस आते हैं दोस्तों बाहर और चलते हैं आगे, तो आप देख सकते हैं रूम नंबर 2 दोस्तों यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया है। ये स्पेशल रूम नंबर 2 हमने प्रोवाइड किया है। यहाँ पर दोस्तों अटैच टॉयलेट हमने प्रोवाइड नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर जो टॉयलेट है वो बाहर से हमने कॉमन टॉयलेट डिज़ाइन किया है। अब वापस आगे बढ़ते हैं, तो अब जैसे ही राइट साइड में आते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फ्लोर है दोस्तों हमने यहाँ पर 2 जोन डिज़ाइन किए हैं। एक जोन हमें यहाँ पर जो मिलता है वो ऑपरेशनल जोन यहाँ पर मिलता है और एक दोस्तों यहाँ पर रूम्स हमने डिज़ाइन किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पैसेज एरिया देखने को मिलता है। अब जैसे ही दोस्तों पैसेज से आगे बढ़ते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल ओटी यहाँ पर दोस्तों हमें देखने को मिलता है। जनरल ओटी की तरफ से आते हैं बाहर और चलते हैं बैक साइड में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्थोपेडिक ओटी यहाँ पर दोस्तों हमने प्रोवाइड किया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ से हमने कॉमन टॉयलेट डिज़ाइन किया है। और आगे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और एक यहाँ पर स्पेशल रूम नंबर 3 हमने डिज़ाइन किया है। अब वापस चलते हैं दोस्तों हमारे लिफ्ट की तरफ से टॉप फ्लोर पर और आपको सेकेंड फ्लोर एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे ही दोस्तों हम आते हैं सेकेंड फ्लोर पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 फीट का पैसेज एरिया हमें देखने को मिलता है। ये जो हमने टॉप फ्लोर डिज़ाइन किया है दोस्तों ये कंप्लीट स्पेशल रूम्स एंड वार्ड्स के लिए हमने डिज़ाइन किया है। तो जैसे ही हम आते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं स्पेशल रूम नंबर 4 हमने डिज़ाइन किया है। अब चलते हैं बाहर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हमने जनरल वार्ड डिज़ाइन किया है। ये वार्ड नंबर 2 है दोस्तों, ये दूसरा हमारा जनरल वार्ड है दोस्तों जो हमने यहाँ पर सेकेंड फ्लोर में डिज़ाइन किया है। सेम रिक्वायरमेंट्स है दोस्तों, 7 बेडेड यहाँ पर जनरल वार्ड हमने डिज़ाइन किया है विद अटैच टॉयलेट। अब आते हैं दोस्तों बाहर और चलते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने स्पेशल रूम प्रोवाइड किया है, स्पेशल रूम नंबर 5 है दोस्तों। और उसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आईसीयू वार्ड हमने डिज़ाइन किया है। ये आईसीयू वार्ड है दोस्तों, ये 6 बेडेड आईसीयू वार्ड हमने डिज़ाइन किया है विद अटैच टॉयलेट। अब यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों और एक स्पेशल रूम हमने डिज़ाइन किया है और यहाँ पर कॉमन टॉयलेट हमने डिज़ाइन किया है। तो दोस्तों आप एक डॉक्टर हैं और आप भी सोच रहे हैं आपका खुद का एक हॉस्पिटल स्टार्ट करना, आप भी स्टार्टअप करना चाहते हैं खुद का, लेकिन आपका बजट कम है और जगह भी कम है, तो आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, आप आपके दोस्तों के साथ मिलकर
पार्टनरशिप में आप आपका जो है हॉस्पिटल स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आज के वीडियो में हमने देखा, यहाँ पर दोस्तों हमने नंबर ऑफ़ OPDs जो है यहाँ पर 6 OPDs प्रोवाइड की है। तो आप भी एक दो पार्टनर्स के साथ मिलकर दोस्तों आपका हॉस्पिटल स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें अगर आपको हमारी कोई भी मदद चाहिए हो तो आपके स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, उस नंबर पर ज़रूर आप हमें संपर्क करें। आपके जो भी डाउट्स हों, क्वेरीज हो, वो दोस्तों हम सॉल्व कर देंगे, तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा। दोस्तों हमने फॉरेन क्लाइंट्स के कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे, तो आने वाले वीडियोस में आपको फॉरेन क्लाइंट्स का जो हमने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, जो डिज़ाइन हमने बनाए हैं, वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियोस को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बेस्ट आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलने वाला है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो ज़रूर चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभिषेक कांदेले फिर मिलूंगा दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, नक्शे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार दोस्तों।